आज हम लोगों को आप क्या बताने जा रही हैं? बच्चों, आज हम तुम लोग को विज्ञान के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। विज्ञान? दीदी, आप हमें विज्ञान में क्या बताएंगी? विज्ञान, उसके बारे में तो मैं तुम्हें बताऊंगी ही, लेकिन उससे पहले एक बात बताओ, कभी तुम लोगों ने किसी इंसान को सांस रोकते हुए देखा है? हाँ दीदी, एक बार मैंने देखा था, जब कोई इंसान सांस रोकता है तब उसका दम घुटने लगता है। बिल्कुल सही, तुम लोगों ने भी ऐसे ही देखा ना, जब कोई इंसान सांस रोकता है तो उसका दम घुटने लगता है। जी दीदी। क्या कभी तुम लोगों ने ऐसा जानने की कोशिश की कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? नहीं दीदी। अच्छा, तो ये मैं तुम्हें बताती हूँ कि ऐसा उसके साथ क्यों हुआ। जैसा तुम्हें ये तो पता ही है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर से हानिकारक पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकलती है। क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और हम अपने शरीर में ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। कौन सी गैस अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर ना निकल पाए और हमारे शरीर के अंदर ही रहे तो वो हमारे शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाती है। पसीना भी हमारे शरीर का एक हानिकारक पदार्थ है जिसको कि हमारे शरीर से निकलना आवश्यक होता है। इसी तरह हमारे शरीर का एक और हानिकारक पदार्थ है मूत्र, जिसको हमारे शरीर से निकलना बहुत ही आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन पदार्थ होता है जो कि हमारे शरीर को हानि पहुंचाता है। दीदी, ये हमारे शरीर से कैसे निकलता है? ये हमारे शरीर से उत्सर्जी अंगों के द्वारा बाहर निकलते हैं। दीदी, उत्सर्जी अंग क्या होते हैं? तुम लोग को उत्सर्जी अंगों के बारे में नहीं पता क्या होते हैं? नहीं दीदी। ठीक है, तो आज हम उत्सर्जी अंगों के बारे में और उत्सर्जन तंत्र के बारे में बताएंगे। दीदी, उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? देखो, अब तक तुम लोग को ये तो पता ही चल गया होगा कि हमारे शरीर से हानिकारक पदार्थ उत्सर्जी अंगों के द्वारा बाहर निकलते हैं, है ना? इसी तरह ये उत्सर्जी अंग हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। जी दीदी। ठीक है, तो अब हम तुम्हें बताते हैं कि हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र किस तरह से काम करते हैं और कौन से अंग उसमें कार्य करते हैं। ठीक है, ये हमारे शरीर का उत्सर्जन तंत्र है। इसमें सबसे पहला अंग होता है गुर्दा, या जिसको हम किडनी भी कहते हैं। क्या हुआ? गुर्दा और किडनी। ठीक है, दूसरा हमारा उत्सर्जी अंग हो जाएगा मूत्र वाहिनी। ठीक है, तीसरा हमारा उत्सर्जी अंग हो जाएगा मूत्राशय, और चौथा मूत्र मार्ग। ये सारे अंग मिलकर हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो पहला उत्सर्जी अंग क्या हुआ? गुर्दा या किडनी। और दूसरा? मूत्र वाहिनी। और तीसरा? मूत्राशय। और चौथा? मूत्र मार्ग। इस तरह से ये सारे अंग जो है उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं हमारे शरीर में। ठीक है, इसके बाद हम तुमको बताते हैं कि उत्सर्जन तंत्र का पहला अंग जो है वो है कौन सा? गुर्दा। गुर्दा। ठीक है, तो ये हमारे गुर्दे की आकृति है। इस आकृति को देख के तुम्हें लग रहा है कि ये किसी तरह से तुमने कभी ये चीज कभी पहले भी देखी है? हाँ दीदी, मैंने देखी है। ये सेम के बीज की आकार की तरह है। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने, इसकी आकृति सेम के बीज के आकार की होती है। देखो, ये सेम के बीज के आकार की आकृति आ रही है। जी दीदी। तुम लोगों ने घर में तो देखा ही होगा सेम के बीज का आकार कैसा होता है। ये बिल्कुल इसके तरह का सेम के बीज के आकार की आकृति होती है। और तुमको पता है इसका भार कितना होता है? नहीं। इसका भार होता है 150 ग्राम। स्वस्थ मानव शरीर में इसका भार 150 ग्राम होता है। ठीक है, तो ये सेम के बीज की आकृति हो गई और इसका भार कितना हो गया? 150 ग्राम। ठीक है, अब इसका मुख्य कार्य क्या हो गया हमारे शरीर में? इसका मुख्य कार्य शरीर में उपस्थित रक्त होता है। रक्त में मूत्र की मात्रा को छानकर अलग करना। क्या हो गया? रक्त में उपस्थित मूत्र की मात्रा को छानकर अलग करना, ये इसका मुख्य कार्य हो गया। ठीक है, तो ये हमारे शरीर में क्या करता है? रक्त में उपस्थित मूत्र की मात्रा को छानकर अलग कर देता है।
तो ये हमारे शरीर का उत्सर्जन अंग का पहला उत्सर्जी अंग हो गया, इसको कहते हैं गुर्दा या किडनी या रक्त। ठीक है, अब आगे के हम अपने उत्सर्जन तंत्र के अंग देखेंगे इस तरह से, जिसमें कि उत्सर्जी अंग को इस तरह से दिखाया गया है। हमारे उत्सर्जन तंत्र में दो गुर्दे होते हैं, उसमें मूत्र वाहिनियां होती है और फिर मूत्राशय और फिर मूत्र मार्ग। ये गुर्दे पहले तो रक्त में उपस्थित मूत्र की मात्रा को छानकर अलग कर देते हैं। यही मूत्र मूत्र वाहिनियों से के द्वारा नीचे नीचे आकर मूत्राशय में एकत्रित होता है। ये जो मूत्राशय की तुम लोग दीवार देख रहे हो ना, ये जो है बहुत लचीली होती है। जितना मूत्र यहाँ पे एकत्रित होता रहता है उसका आयतन बढ़ता जाता है और फिर ये जो मूत्र मार्ग के द्वारा ये मूत्र शरीर से बाहर निकल जाता है। इस तरह से पूरी क्रिया पूर्ण होती है। पहले गुर्दों ने रक्त में से मूत्र की मात्रा को अलग किया, फिर मूत्रवाहिनी द्वारा ये मूत्र आगे बढ़ा और मूत्राशय में आकर एकत्रित हो गया और फिर मूत्र मार्ग में निकलकर बाहर चला गया। जी दीदी। ठीक है दीदी, आज तो हमें सब कुछ समझ में आ गया। बहुत अच्छे, आज तुमको उत्सर्जन तंत्र के बारे में सब कुछ समझ में आ गया। जी। ठीक है, तो अब हम कुछ प्रश्न तुमसे पूछे, उसका उत्तर दोगे तुम लोग? जी दीदी। ठीक है, तो सबसे पहले हम तुमसे पूछेंगे उत्सर्जन तंत्र में पहला उत्सर्जी अंग कौन सा था? गुर्दा या किडनी। गुर्दा या किडनी, बहुत अच्छे, इसका मतलब तुम्हें पहला अंग समझ में आ गया। और दूसरा कौन सा था? मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी, बहुत अच्छे, उत्सर्जन तंत्र में दूसरा अंग मूत्रवाहिनी था। तीसरा क्या था? मूत्राशय। मूत्राशय, उत्सर्जन तंत्र में तीसरा अंग हो गया मूत्राशय। और चौथा क्या था? मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम सबको उत्सर्जन तंत्र के अंगों के बारे में सब याद हो गया। ठीक है, तो अब ये बताओ कि उत्सर्जन तंत्र का पहला अंग क्या कार्य कर रहा था? रक्त में उपस्थित मूत्र की मात्रा को छानकर अलग कर रहा। छानकर अलग कर रहा था, बहुत अच्छे। तो रक्त में उपस्थित जितने भी मूत्र की मात्रा थी वो गुर्दे द्वारा छानकर अलग कर दी गई। उसके बाद मूत्रवाहिनियों ने क्या किया? मूत्रवाहिनियों का ये काम है कि किडनी द्वारा छाना गया मूत्र मूत्राशय में पहुंचा, आगे पढ़ाना नलिकाओं के द्वारा और मूत्रवाहिनियों के द्वारा, बहुत अच्छे। उसके बाद मूत्राशय में क्या हुआ? मूत्रवाहिनी द्वारा लाया गया मूत्र मूत्राशय में एकत्रित होता है। मूत्र मार्ग क्या क्या कार्य करता है? मूत्राशय में एकत्रित हुआ मूत्र मूत्र मार्ग से शरीर के बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से आज हमने तुम लोगों को ये बताया कि शरीर का हानिकारक पदार्थ मूत्र किस तरह से उत्सर्जन तंत्र के द्वारा बाहर निकलता है शरीर के। ठीक है।